अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम यासर है और एडवांस पाकिस्तान चैनल पर आपको खुश आमदीद कहता हूँ। ये वीडियो ब्लोफिश हेलीकॉप्टर ड्रोन से मतलब है जो कि चीनी कंपनी जियान तैयार करती है और पाकिस्तान इस ड्रोन को हासिल करेगा। मारूफ वेबसाइट्स का विजिट किया तो पता चला पाकिस्तान ने चीन से ये ड्रोन हासिल करने के लिए एक साल पहले बातचीत शुरू की थी और यकीनन पाकिस्तान अब तक इन ड्रोन्स का ऑर्डर भी दे चुका होगा। तादाद के हवाले से कुछ नहीं कहा जा सकता कि इस तरह के कितने ड्रोन्स पाकिस्तान खरीदने का इरादा रखता है। असल में पाकिस्तान ऐसे कई हथियार और दफाई साजो सामान चीन से खरीद चुका है जिनका ऐलान ही नहीं किया गया। जैसा कि मैंने इससे पिछली वीडियो में बताया था कि JY-27A रेडार जो कि एंटी स्टेल्थ रेडार है, उसे मियांवाली एयरबेस पर सैटेलाइट के जरिए देखा गया। विंगलोंग ड्रोन भी आपके सामने है जिसे पाकिस्तान ने चीन से खुफिया तौर पर हासिल किया था, जिसे बाद में मियांवाली एयरबेस पर सैटेलाइट के जरिए देखा गया था। अब आते हैं ब्लोफिश ड्रोन की तरफ कि इसकी खसूसियात क्या हैं और ये ड्रोन पाकिस्तान के किस काम आ सकता है। ब्लोफिश हेलीकॉप्टर ड्रोन को 500 से 700 मीटर के दायरे में उड़ाया जा सकता है। इसकी फ्लाइट का दौरानिया 60 मिनट तक हो सकता है, जिसे बढ़ाया भी जा सकता है। इसे लैपटॉप या फिर टैबलेट से कंट्रोल किया जा सकता है। इस ड्रोन की खास बात यह है कि इसे जंग और अमन दोनों हालात में इस्तेमाल किया जा सकता है। ये ड्रोन 25 से 30 किलो तक का वजन बआसानी उठा सकता है और ज्यादा से ज्यादा 130 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से परवाज कर सकता है। इस ड्रोन को 5100 मीटर की बुलंदी पर उड़ाया जा सकता है। अब आते हैं इस तरफ के ये ड्रोन पाकिस्तान के किस किस काम आ सकता है। इस ड्रोन को बनाने वाली कंपनी जियान ने इस ड्रोन को मशीन गन से लैस करके टारगेट पर कामयाब तजर्बा किया, जैसे कि मोर्टार गोले भी इस ड्रोन पर लादेंगे और टारगेट के बिल्कुल ऊपर ले जाकर इस ड्रोन से वो गोले गिराएंगे। ये ड्रोन इस टेस्ट में भी कामयाब रहा। इसके अलावा इस ड्रोन को फजा से जमीन पर मार करने वाले रॉकेट से भी लैस करके टारगेट को कामयाबी से निशाना बनाया गया। इस ड्रोन को बनाने वाली कंपनी ये बताती है कि इस ड्रोन को फर्स्ट एड सामान भी डिलीवर करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसे ड्रोन यकीनी तौर पर पाकिस्तान की फौज के कई मिसाइल में मददगार साबित हो सकते हैं। ये ड्रोन ना सिर्फ फौजियों को दुश्मन के साथ लड़ने में मदद देगा बल्कि जख्मी फौजियों को फर्स्ट एड देने में भी मददगार साबित होगा। सैलाब और जलजले की सूरत में भी हमारी फौज इस ड्रोन को इस्तेमाल करके इमदादी कार्रवाइयां कर सकती है। मैदान जंग में लड़ते हुए फौजी इसे साथ रख सकते हैं और जरूरत पड़ने पर इसे फौरी तौर पर उड़ाकर ना सिर्फ हालात का जायजा ले सकते हैं बल्कि दुश्मन के ठिकानों पर बारूदी मवाद भी फेंक सकते हैं। साफ और आसान लफ्जों में कहूँ तो इस ड्रोन की मदद से अच्छा खासा दुश्मन का तड़का लगाया जा सकता है। बड़े गनशिप हेलीकॉप्टरों को मुतलका जगह तक पहुंचने में कुछ वक्त दरकार होता है, जबकि ये ड्रोन इस लिहाज से एक जबरदस्त ऑप्शन होगा। अगर पाकिस्तान इस तरह के ड्रोन्स खुद तैयार करता है तो यकीनी तौर पर इन ड्रोन्स को एंटी टैंक या फिर बख्तरबंद गाड़ियों को तबाह करने वाले हथियारों से लैस कर सकता है। इस ड्रोन को बनाने वाली कंपनी ने यह नहीं बताया कि यह रात के वक्त भी इस तरह के ऑपरेशंस में हिस्सा ले सकता है या नहीं, लेकिन मुमकिन है कि इसमें नाइट विजन कैमरा भी मौजूद होगा। इस वीडियो का यहीं पर इख्तिताम करते हैं और आज के चुने गए दो सबसे प्यारे कमेंट अनुषा अली और मुदस्सर मुगल के हैं। अनुषा सिस्टर, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारे चैनल पर आईं और अपने जज्बात का इजहार किया कि आप पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेज के बारे में क्या सोचती हैं। मुदस्सर मुगल, आपका सवाल बहुत ही अच्छा है जिसकी वजह से मैंने ये फैसला किया कि ना सिर्फ आपका शुक्रिया अदा करूं बल्कि आपके सवाल का जवाब मैं अपनी वीडियो में दूं। आपका सवाल JY-27A के हवाले से था कि क्या वाकई इस एंटी स्टेल्थ रेडार को इसराइली F-35 लड़ाका तैयारे ने तबाह कर दिया था जो कि चीन ने शाम को फरोख्त किया था, और क्या ये रेडार सिर्फ स्टेल्थ लड़ाका तैयारों को ही ट्रैक कर सकता है या फिर दूसरी जनरेशन के तैयारों को भी ट्रैक करने की सलाहियत रखता है। मुदस्सर भाई जी, बिल्कुल, इसराइल ने JY-27 रेडार को तबाह किया था लेकिन F-35 एयरक्राफ्ट को इस्तेमाल करते हुए नहीं, बल्कि इसराइल ने एक जबरदस्त किस्म का ड्रोन तैयार कर रखा है। ये एक एंटी रेडिएशन हथियार है जिसमें बारूदी मवाद भी मौजूद होता है। इसे खास तौर पर रेडारों को तबाह करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इसकी रेंज तकरीबन 1000 किलोमीटर तक है। मैं एक वीडियो में पहले ही बता चुका हूं कि ऐसा कोई भी हथियार नहीं होता जिसे तबाह नहीं किया जा सकता। हर हथियार का तोड़ बना लिया जाता है, लेकिन कुछ हथियार ऐसे होते हैं जिन्हें तबाह करने के लिए एक जबरदस्त हिकमत अमली की जरूरत होती है। कुछ हथियार ऐसे होते हैं जिन्हें तबाह करने के लिए मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स एक ही वक्त में इस्तेमाल करने पड़ते हैं। मैं जानता हूं कि कुछ लोगों को ये हिकमत अमली महज एक मजाक लगेगी, मगर मैं उन्हें इस बात का सबूत देता हूं
कि ऐसा मुमकिन है। इस कार्रवाई में तीन किस्म के हथियार इस्तेमाल किए गए हैं, इस एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को कंफ्यूज या फिर तबाह करने के लिए। एंटी रेडिएशन मिसाइल, स्टैंड अप वेपन, ऐसा मिसाइल जिसे एयर डिफेंस सिस्टम लड़ाका तैयारा समझकर इसके साथ इंगेजमेंट करता है, और इस मौके का फायदा उठाते हुए लड़ाका तैयारी एंटी रेडिएशन मिसाइल और स्टैंड अप वेपन फायर कर देते हैं, जो कि एयर डिफेंस सिस्टम की तबाही का बाइस बनते हैं। लिहाजा इसराइल ने ऐसा ही किया और इस रेडार को तबाह किया। लेकिन पाकिस्तान के पास मौजूद जो रेडार है वो इसका अपग्रेडेड वर्जन है, और पाकिस्तान शाम नहीं है, पाकिस्तान अपने हथियारों की हिफाजत करना जानता है। और आपके दूसरे सवाल का जवाब ये है कि जी बिल्कुल, ये हर तरह के एयरक्राफ्ट को ट्रैक करने की सलाहियत रखता है, यहाँ तक कि दुश्मन की तरफ से फायर किए गए बैलिस्टिक मिसाइलों को भी देखने की सलाहियत रखता है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका कमेंट हम अपनी वीडियो में शामिल करें या फिर आपके पूछे गए सवाल का जवाब हम अपनी वीडियो में दें, तो एक बेहतर कमेंट इस वीडियो के नीचे कर दीजिए। सवाल मेयारी हुआ तो ज़रूर जवाब दिया जाएगा। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।